एक्चुअली मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि 3 स्टार तो मिलने चाहिए रेड को। एक्चुअली हमने सोचा पहले ब्लैक रखें, लेकिन ब्लैक संजय बंसरी रख ली, फिर सोचा वाइट रखें, तो लोगों ने कहा कि वाइट बड़ी अनइंटरेस्टिंग लगेगी। फिर दूसरे भी कलर आए, येलो येलो बीच में पिंक, लेकिन फिर सब ने कहा नहीं रेड अच्छा, तो रेड। लेकिन सच्चाई ये है कि रेड एक ऐसा कलर है जो किसी भी इमोशन, किसी भी चीज़, इंटेंस चीज़ को सिग्निफाई करता है। जैसे व्हेन यू इंटेंस पैशन हो, या इंटेंस डेंजर हो, या किसी भी किस्म की इंटेंसिटी हो, तो उसे सिग्निफाई करता है रेड। और जो हमारी फिल्म की कहानी है, इज़ अबाउट इंटेंस पैशन, इट्स अबाउट इंटेंस डेंजर, और दैट्स व्हाई रेड, बिकॉज इट सिग्निफाइज ऑल दीज इमोशंस। हर इमोशन की डार्कर साइड को एक्सप्लोर करता है। एक विडो का कैरेक्टर है हु इज ग्रीविंग, बहुत दुखी है, ऑफ कोर्स शी इज़ मॉर्निंग हर लॉस, एंड वहाँ से कहानी शुरू होती है। आगे तो आप लोग देखकर ही आपको पता चलेगा कि असली कहानी क्या है। लेकिन दिस रोल हैज़ बीन अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज एक तरीके से इट हेल्प मी एक्सप्लोर माई ओन सेल्फ। एंड अभी तक जितने भी किरदार मैंने निभाए हैं, उन सब में से आई थिंक सबसे संजीदा कैरेक्टर यही है। आई वॉज वेरी लकी टू वर्क विद अ टीम, वेदर इट वॉज विक्रम और इट वॉज आफ्ताब ऑन स्क्रीन एज अ रिजल्ट, बिकॉज वी गॉट टू नो ईच अदर बेटर ऑल्सो ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर लोगों की पहचान या तो एक्सट्रीमली रोमांटिक फिल्म से है, जहाँ तक मेरा सवाल है, या टोटल कॉमेडीज़ में काफ़ी है। एंड आई थिंक एज एन एक्टर काफ़ी मेच्योर लेवल पे आई हैव ग्रेजुएटेड आफ्टर डूइंग दिस। पहली बार मेरी मुलाकात आफ्ताब से रेड के सेट्स पे ही हुई, सीन के 1 घंटा पहले। आई थिंक उस कारण दैट हेल्प द मूवी, बिकॉज जो केमिस्ट्री आती है अगर आप किसी को ना जानते हो एंड धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़े, तो वैसी केमिस्ट्री अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो, पहली हो, तो नहीं आती, बिकॉज वो कम्फर्ट लेवल्स पहले से सेट हो जाते हैं, तो वो ऑकवर्डनेस चली जाती है। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट हेल्प द सीन्स। यस डेफिनेटली विक्रम जो है ऑन एन इमोशनल लेवल उनकी पहुँच बहुत अच्छी है, जहाँ तक रोमांस का सवाल है। इमोशनली किसी भी लव रिलेटेड टॉपिक को या अकल्ट रिलेटेड टॉपिक को टारगेट करने में ही इज़ वेरी वेरी गुड, इज एप्स टेक्निकली इज़ वेरी सुपीरियर, बहुत प्रोफेशनल डायरेक्टर टू वर्क विथ ऑल्सो। सो इट्स अ ट्रीट टू वर्क विथ अ डायरेक्टर लाइक विक्रम, एंड लोगों को हमेशा उनकी इस किस्म की फिल्में पसंद आई, इंशाल्लाह ये भी पसंद आएगी। सेलिना ने और विक्रम ने बैठ कर, इन हम लोग सब बैठ कर ये तय किया कि यू नो एक कम्फर्टेबली लेवल हम लोगों ने लाई फिल्म में, और वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट था, यू नो केमिस्ट्री लाने के लिए, यू नो यू हैड टू फील कम्फर्टेबल विद ईच अदर। तो उसके बाद जब वो आइस ब्रेक हुआ और जब हम लोग एक दूसरे के साथ कम्फर्टेबिलिटी महसूस करने लगे, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था नहीं, इनफैक्ट इट वेंट वेरी स्मूथली। एंड यू नो आई रियली थैंक सेलिना एंड विक्रम फॉर दैट।